तो दोस्तों देखिए, ये मैंने दो स्टोन ले लिए हैं पेबल्स, जैसे हमारे उसमें हम अक्सर जैसे रोड साइड टहलने जाते हैं मॉर्निंग में, तो जो मोरंग आती है, मोरंग के बड़े बड़े ट्रक आते हैं, तो उसमें से ये इस तरह के पेबल्स फेंक दिए जाते हैं। तो आप चाहे तो इसे कहीं दिखे तो कलेक्ट कर सकते हैं। और ये बोतल के टुकड़े बच गए थे मेरे पास, ये देखिए, मैंने बोतल का कोई DIY किया था तो उसका ये ऊपर का हिस्सा बच गया था। और दिवाली का देखिए, ये दो दिया लिया है मैंने पुराना वाला, इसे मैंने बहुत पहले वाइट कलर से इसे पेंट कर लिया था। और मेन पार्ट है ये हमारी चिकनी मिट्टी। तो देखिए दोस्तों, चिकनी मिट्टी से मैंने, देखा होगा आपने, कई चीज़ें DIY की हैं, आपने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने पहले से स्मूथ कर ली है, ये देखिए। और आप तो जानते ही होंगे कि हम लोग बचपन में भी, देखिए, चिकनी मिट्टी से कितनी चीज़ें हम लोग बनाते थे। तो इसी से ही आज मैं कुछ DIY करूँगी। तो ये देखिए, मैंने ये ना स्टोन ले लिया है, ओके, और स्टोन के ऊपर जो है इस चीज़ का DIY करेंगे, इस तरह से शेप देंगे। आप समझ जाए, आप बताइएगा कि मैं क्या चीज़ बना रही हूँ। दोस्तों देखिए, हम लोग वेस्ट में से ही, जैसे हम लोग नर्सरी गए तो वहाँ से इस तरह से कोई मतलब प्लांट्स लेकर आते हैं, तो हमें जो है प्लांट्स में कभी कभी चिकनी मिट्टी मिल जाती है। चिकनी मिट्टी का भी इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो सकता है। बस इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है दोस्तों, कि बारिश के मौसम में जो है हमें अपने इस DIY को थोड़ा इस जगह पर, ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ बारिश का पानी ना लगे, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी है, सूख जाएगी। हम लोग पेंट भी कर देंगे इसको, लेकिन दोस्तों ये चीज़ है ना कि फिर भाई चिकनी मिट्टी तो मिट्टी है, तो थोड़ा सा गलने का डर रहता है। तो थोड़ी सी यही है कि हम इस चिकनी मिट्टी को जो है थोड़ा मतलब अपने DIY को ऐसी जगह रखें जहाँ बारिश का पानी ना लगे। और वैसे तो आप डेकोर करके अपने गार्डन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से इसे स्मूथ कर लिया है, और ये छोटी सी इस तरह से ये सीन लगी है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमें इसे थोड़ा स्मूथ कर लेना है ताकि कहीं से दरार जैसे पड़ी हो तो वो बंद हो जाए अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे चारों तरफ से स्मूथ कर लिया है, और ये देखिए इसका शेप ऐसे ये बन गया है। और हम इसे एक साइड में रखते हैं और इस तरह से एक रोल टाइप का बनाएंगे, वो समझ लीजिए कि चलेगी। आप जो है तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक स्नेल तैयार हो गया है, ये देखिए। इसे हम यहाँ रख देंगे और इसके ऊपर एक छोटू सा स्नेल और बना देंगे। आप चाहे तो स्नेल बनाइए, आप चाहे तो छोटी सी बर्ड बना लीजिए, आपकी मर्जी है, आपकी कल्पना है। तो आप जो चाहे वो आप इस पर बना सकते हैं। गार्डन में तो स्नेल अच्छा लगता है, इसीलिए मैं स्नेल बना रही हूँ।
दोस्तों देखिए, मिट्टी से मेरा ये देखिए एक ये स्नेल बड़ा वाला तैयार हो गया है पेबल्स के ऊपर, ये छोटा वाला तैयार हो गया है। आप चाहे तो मॉड्यूलर क्ले भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने चिकनी मिट्टी यूज़ कर ली। तो और ये देखिए ये छोटा सा हाउस अभी दोस्तों सूखा नहीं है, और ये देखिए ये छोटू सा फेरी हाउस बनाया है। और अभी तो आपको गंदा लग रहा होगा कि ये कैसा है, लेकिन जब सूख जाएगा और ये पेंट किया जाएगा, ये हमारा मशरूम है, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये चार चीज़ें हमने बनाई हैं। और फिर से मैं एक बार कहती हूँ, अगर आपको चिकनी मिट्टी से नहीं बनाना है तो आप मॉड्यूलर के क्ले जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए जब सूख जाएगा फिर पेंट करेंगे, तब आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों जैसे मिट्टी का हम लोग ने ये बनाया था, तो सब लोग ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है। तो दोस्तों देखिए, सूखने के बाद जो है ये इस तरह से छूटा जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे ये चीज़ कह रही हूँ कि आप जब भी यूज़ करें तो मॉड्यूलर क्ले यूज करें, तो वो अगर पानी में भीगेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब ये मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ूंगी, इसको तो मैं बना कर ही दम दूंगी। और देखिए दोस्तों, मैं फेविकॉल लेकर आई हूँ और फेविकॉल से इन सबको स्टिक कर दूंगी। तो इसको इसी तरह थोड़ा ज़्यादा फेविकॉल लगा के इसे स्टिक कर देंगे। ग्लू गन से भी हम लोग नहीं चिपका सकते, क्योंकि ग्लू गन भी आखिर में छोड़ देता है। तो कम से कम ये फेविकॉल जो है ये बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाता है। ये देखिए इस तरह से जो है मैं इसको कर दूंगी। फिर उसके बाद पेंट करने के बाद जो है, इसे पहले वाइट कलर से मैं पूरा पेंट कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं इसको स्टिक कर देती हूँ, जो इन लोगों ने इसका बेचारे का साथ छोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इन सबको अच्छे से पेस्ट कर दूंगी फेविकॉल से। फेविकॉल से बहुत मजबूती से जुड़ जाता है, बस हमें इतना ध्यान देना है कि बारिश के मौसम में इसे कोशिश करिए कि ज़्यादा टाइम तक पानी ना रखें, क्योंकि फेविकॉल भी जो है फूल के निकल सकता है, इसलिए मॉड्यूलर क्ले ही आप यूज़ करिए। तो ये देखिए, मैं तो सिर्फ आइडिया आपको बता रही हूँ, और ज़्यादातर चीज़ें मैंने जो है या तो वॉल पुट्टी से बनाया है, या तो इस तरह से क्लेली सॉइल जो है उससे बनाया है। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ मेरी पेस्ट हो चुकी है, अब मैं दूसरे को पेस्ट करूँगी। ये देखिए, और सख्त तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है, बस जहाँ जहाँ इसे चिपकाया था तो वो चिपक नहीं पाया।
तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने वेस्ट मटेरियल से और मैंने तो क्लेली सॉइल जो उसमें से निकली थी, जो नर्सरी से प्लांट्स खरीद के लेकर आई थी, तो क्लेली सॉइल जो निकलती है चिकनी मिट्टी, तो उससे मैंने ये DIY किया है। ये देखिए, ये फेरी हाउस है और ये मैंने मशरूम बनाया है। ये ऊपर पुराना दिया है और ये बोतल है और ये जो चिपका रखा है ये चिकनी मिट्टी का मैंने बनाया है सब। और ये हमारे स्नेल राजा, ये भी चिकनी मिट्टी के बने हुए हैं, स्माइल दे रहे हैं। और ये हमारे गार्डन डेकोरेशन में कितना सुंदर लगेगा, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए, जो हमारी वेस्ट चीज़ें होती हैं उसी से ही हम अगर गार्डन के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं तो हमारा गार्डन और भी सुंदर लगता है और उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर ये मेरी छोटी सी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, ये गार्डन डेकोरेशन DIY आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा। और दोस्तों ये देखिए, और और दोस्तों बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों ये देखिए, अब ये कितना सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक, ये देखिए। तो दोस्तों ये DIY आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर अपने प्लांट्स में भी रख सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।